नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ CISF से जॉब। आप सभी जानते हैं एक डिफेंस का जॉब है, और CISF का जो मतलब है आप सभी जानते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का आपको जॉब मिला है। तो कुल मिलाकर 451 वैकेंसीज है, जहाँ पे कंस्टेबल है, ड्राइवर है, पाम ऑपरेटर है, तो अलग अलग कैटेगरीज के पोस्ट है। तो आप इस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब के इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यूसली मिलता रहेंगे। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा जॉब का डिटेल्स, अप्लाई करने का लिंक, सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं जॉब के बारे में। तो आप देख सकते हैं CISF जो है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करने का मौका मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया में ही आपको जॉब मिलेगा। 451 वैकेंसीज है, जहाँ पे कंस्टेबल एंड ड्राइवर के लिए, कंस्टेबल के साथ साथ ड्राइवर भी होना चाहिए, 183 वैकेंसीज, और कंस्टेबल, ड्राइवर एंड पाम ऑपरेटर, इस तीनों आपके आप जानते हैं एक साथ, तो 268 पोस्ट है, 268 पोस्ट है। तो इसमें जरूर आप अप्लाई, कौन सा पोस्ट ऊपर करना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो जनरल के लिए 21 से 27 ईयर्स, ओबीसी के लिए 21 से 30 ईयर्स, एंड SC/ST के लिए 21 से 32 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर रहेगा वो रिटिन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, साथ ही साथ ट्रेड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जाम, तो कुछ इस तरीके से एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सैलरी पैकेज के बारे में बात करूँ तो 21,700 से 69,100 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। एप्लीकेशन के फीस के बारे में बात करूँ तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़, एंड SC/ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो 10th स्टैंडर्ड आप पास आउट कर चुके हैं, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो जरूर अप्लाई करिए। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपका गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है 3 साल का हैवी व्हीकल्स में, तो जरूर इसमें अप्लाई करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट रहेगा 22 फरवरी, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसका डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको दे चुका हूँ, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर भी आपको मैं बताऊँ, नीचे लिंक दिया गया है जो डिस्क्रिप्शन में इस जॉब का, इस लिंक में जाइए, और यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में ओपन होने के बाद दोनों लिंक आपको मिलेगा, अप्लाई का और नोटिफिकेशन का, दोनों में एक एक करके जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना, तो इस पेज ओपन हो जाएगा, जो नोटिफिकेशन की जानकारी में पहले आपको बोल चुका हूँ वही नोटिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेगा। हाँ, फर्क सिर्फ यही है कि आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसीज में वहाँ पे आपको नहीं बताया हूँ, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको नेम वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये कुछ क्राइटेरिया है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब आपको डालना होगा, उसके बाद आपको सबमिट कर देना होगा। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए जॉब के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।